अच्छा, कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई थी कुरानदाजी के हवाले से, कि कुरानदाजी की जाएगी और पांच जो मौला अली लजीम के इसमें मुबारक की अंगुश्तियाँ हैं वो पांच मोमिनीन को दी जाएंगी। तो बवजाए अलालत, यानी मैं बीमार थी जिसकी वजह से मैं कुरानदाजी बर वक्त नहीं कर सकी, क्योंकि पहली शाबान का मैंने कहा था कि फर्स्ट शाबान को कुरानदाजी होगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो अब सखी ने मुझे इतनी हिम्मत अता की है, उनका करम है, उनकी नवाजिश है। तो आज जो है मैं ये कुरानदाजी करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको एक बाउल नज़र आ रहा है, उसमें चिट्स जो है वो पहले से मैंने लिख के डाल दी हैं और मैं आपके सामने जो है कुछ चिट्स निकालूंगी। इस बाउल में जो है वो चिट्स हैं, देख सकते हैं जी। कैमरा जो है वो मैंने अब सेट कर लिया है ताकि बाउल जो है वो नज़र आए, और बाउल जो है वो सिर्फ नज़र ही आ रहा है, इसलिए मैंने इनको बुलाया है कि ये जरूर मेरी हेल्प करें। और ये चिट्स हैं बाउल में, तो एक चिट जो है वो आप सर निकालिएगा, पहला खुला जो है वो निकालते हैं। अहमद है तुरंगी कराची से, आप जरा रिपीट कीजिएगा, क्या नाम है? जी मोहम्मद अहमद है तुरंगी कराची से। तो पहला कुर्रा जो है वो निकला, जरा चिट को सामने रखते हैं ताकि पता चलता रहे। पहला कुर्रा निकला है मोहम्मद अहमद कराची से, तुरंगी एरिया से। यारी जिला शान मोहम्मद, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी एक क्लिप देखा है आप लोगों ने अली रब एक्सप्रेस का। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले गालिबन 15 शाबान को मौला कायम आले मोहम्मद मौला इमाम ज़माना जल्ला शानहू के जश्न के हवाले से कुरानदाजी उसी दिन की गई थी। तो क्या कह सकता हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि कुरानदाजी में किसका नाम आएगा, तो बहुत सारी पर्चियाँ डाली गई थी उसमें। तो जब मेरे पास नोटिफिकेशन आया वीडियो के हवाले से, मैंने देखा जब पर्चियाँ निकलना शुरू हुई, तो जब सबसे पहला कुर्रा निकला तो दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। आप यू कॉन्ट जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह की वो फीलिंग्स थी, किस तरह का वो अंदर की कैफियत थी। एक रूह परवर एक कैफियत थी वो मेरे अंदर, कि एकदम से आई वाज जस्ट शॉक कि ये मेरा नाम ही। तो इस नाचीज़ का, इस हकीर का कुरानदाजी में पहला कुर्रा निकला। इस हवाले से सबसे पहले तो मालिक पाक का, मालिकों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस गुलाम को, इस नाचीज़ को इतनी इज्जत अदा फरमा दी कि मतलब आप इमेजिन करें ना, कि वैसे देखने को तो ये अगर इस नस्बत को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आम सी बात है, लेकिन चूंकि नस्बत है तो बता नहीं सकता कि कितना अपने अंदर एक फील हो रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि आप देखें कि एक तो दिन 15 शाबान का, और उसके बाद जो है वो जिस जो माहौल बना के जिस तरह से पूरा अंदाजी हो रही थी,
सरकार कायम आले मोहम्मद का कुछ इसम का उनका टाइटल वो कुछ रखा हुआ था। उसके बाद जो है गाजी पाक का आलम वो, उसके बाद चिराग जलवा था। और इनके होते हुए इस माहौल के अंदर जब खुदांदाजी हो रही थी तो एक ये बताने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि निस्बत बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान को कैसा फील होता है। बहुत तरह की खुशियाँ होती हैं, जिस्मानी खुशियाँ होती हैं, कैफियत की खुशियाँ होती हैं, लेकिन ये रूहानी खुशी होती है। तो कुर्रा अंदाजी के हवाले से ये जो अली रब एक्सप्रेस है, ये आए दिन कोई ना कोई कुर्रा अंदाजी करते रहते हैं। लास्ट टाइम वो भी इसमें आज़म मौला अली मुर्तज़ा का, उनका इसमें आज़म था जो कि एक पत्थरों से बनाया गया था, वो भी बहुत खूबसूरत था, उसकी भी कुर्रा अंदाजी हुई थी। इस दफ़ा जो है वो मुसरी के हवाले से अली रब एक्सप्रेस वालों ने जो है वो कुरानदाजी की थी। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये इन लोगों की भी खुशनसीबी है, अली रब एक्सप्रेस वालों की भी। मैं तहे दिल से उनका भी मशहूर हूँ, उनको भी इस चीज़ में बहुत अच्छा और फख्र महसूस होता होगा कि मालिक पाक ने उनको इन इवेंट्स के लिए और ऐसे जो सबब बनाया है उनको लोगों के लिए कि वो लोगों तक इस तरह की मुकद्दस चीज़ें जो है वो पहुंचने का सबब बनते हैं। तो इनको भी बहुत बहुत मुबारक। जो कुरानदाजी हुई थी उसके हवाले से जो पार्सल है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक पाक का पहुंच चुका है मेरे पास। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले जो है वो थोड़ी सी एक गुजारिश है, वो ये कि इसका ताल्लुक ना सिर्फ मुझसे है बल्कि और भी लोग, क्योंकि कुरानदाजी एक नाम पर ही पाँच कुरे निकाले गए थे। अपनी अपनी मार्फत की बात होती है, अपनी अपनी ज़र्फ़ की बात होती है। अपना बताना चाहूँगा कि महज अंगूठी या इंडस्ट्री इसका इतना जो है वो खुशी नहीं होती है, लेकिन वही वाली बात जो पहले मैंने की कि निस्बत जो होती है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो रूहानी तौर पे जो है वो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो दूसरी चीज़ों से नहीं होता। तो आगाज़ करते हैं इसको मालिक पाक के इस्म मुबारक से, उनको याद करके अनबॉक्स करते हैं और ज़्यादा का शर्फ हासिल करते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد। देखें मैं सलाम करता हूँ जिस अकीदे को जिस मोहब्बत के साथ ये तोहफ़ा अज़ीम भेजा गया है। आप देखेंगे दो उंगलियों के दरमियान आने वाली चीज़ है, लेकिन उसमें भी इतनी खूबसूरती है कि मतलब खुशी, एक खुशी की जो कैफियत बयान नहीं हो पा रही। तो आइए इसको बोलते हैं। माशाल्लाह देखें आप, इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे देखी थी, जैसे वीडियो में दिखाई गई थी।
करता हूँ कि आपने भी ज़्यारत का शर्फ हासिल किया होगा। अभी इस अंगिस्त्री को नहीं अपने पहन सकूँगा, क्योंकि दिल चाहता नहीं है बल्कि हक ये बनता है कि मालिक पाक की बारगाह अली शान में पहले सजदा शुक्राना अदा करूँ, उसके बाद अपने हाथों को इस मिस्त्री से जीनत बख्शूँ। तो पहले जो है वो मालिक की बारगाह में सजदा अदा करूँगा, उसके बाद उसको मैं पहनने का शर्फ हासिल करूँगा। मैं अपने जितने भी जो दूसरे मोमिनीन हैं जिन्होंने जिनका कोरे में नाम निकला है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो भी बड़े खुशनसीब हैं कि चुनाव के अंदर उनका भी कुर्रा निकला। और इससे पहले भी जितने लोग जो कुर्रे में ये मुकद्दस चीज़ें हासिल करते हैं, मुकद्दस तहाइफ हासिल करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आखिर में ख़ास तौर पर अली रब एक्सप्रेस वालों का बहुत बहुत ममनून हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह का इवेंट वगैरह इस तरह के करते रहते हैं जिससे बहुत सारे मोमिनीन जो है वो उनको एक रूहानी खुशी भी मिलती है। और ये एक नेकी की नेकी भी है, एक ये समझ लें आप कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लेने को वो परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट में जाके भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक नज़र होती है, एक तोहफा होता है, तो इसकी खुशी वो परचेज करने में नहीं है जो कि ऐसे मिलने में होती है। तो वंस अगेन पाक परवरदिगार का मालिक का शुक्र अदा करने के बाद जो है वो आप लोगों का दोबारा शुक्र अदा करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट करते रहें ताकि और भी मोमिनीन मोमिनात जो हैं जो कि कुर्रा में हिस्सा लेते हैं उनका भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट alirabexpress.com। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए।